जो नव संवत्सर आज के समय में दिख रहा है लोगों को समाचारों में, बहुत प्रयास करने के बाद ऐसी जागरूकता आ पाई है। केवल नवरात्र से हम लोग मान लेते थे नव संवत्सर आ गया, तो ये कमी नव संवत्सर तो हमारा 2080 आया। अब समाचारों में, समाचार पत्रों में दिख रहा है कि नव संवत्सर है, वरना केवल ग्रीगोरियन वर्ष को हम लोग मनाते थे। और ये नव संवत्सर वर्ष ग्रीगोरियन बहुत कम दिखा रहे थे मैसेजेज में, बहुत कम, इससे कम नव संवत्सर हमारा अब दिखने लगा, बातचीत में दिखने लगा, समाचारों में, मीडिया में दिखने लगा। हमारी हर शहर में बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, हर शहर दो तीन बहुत बड़े बड़े। खैर, निर्भय जी ने और भावुक जी के कुछ अभी बात ऐसी सामने आ गई है, तो बस एक के शौकीन मेरी सलाह है, आप पढ़ लीजिए एक बार। तो मैं नव संवत्सर की बात कह रहा था कि हम लोगों की सनातनी परंपरा का सौभाग्य है कि हम लोग इस स्थिति में आ सके हैं कि हमारा नव संवत्सर अब मनाया जाने लगा है पूरी धूमधाम के साथ में, और एक दूसरे को हम लोग बधाई संदेश देना आरंभ कर चुके हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हमारे इस भारतीय नववर्ष संवत 2080 के आरंभ की, और दूसरा अवसर हनुमान जन्मोत्सव प्रभु राम जन्मभूमि। तो एक कामरूप छंद प्रभु राम और हनुमान जी को याद करते हुए, हनुमान अति प्रिय राम प्रभु के जगत को यह ज्ञात, हनुमान अति प्रिय राम प्रभु के जगत को यह ज्ञात, हर क्षण निकटता रहे उनकी स्नेह की यह बात, प्रतिपल सहायक राम जी के शक्तिशाली गात, माँ जनक नंदिनी खोज करके की यवनिका पात। ये प्रभु राम पुतली सा रूप लिए हैं, कहां पता वो ठोर ठिकाना सूत्रधार का सूत्र जहां है।